धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। उठ सुमरन कर लो रे संत है मुक्का मारते सबको, उठ सुमरन कर लो रे संत है मुक्का मारते सबको, कोई सुमरन कर लो रे, 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 उठ सुमरन कर लो रे संत है मुक्का मारते सबको, उठ सुमरन कर लो रे संत है मुक्का मारते सबको, कोई सुमरन कर लो रे, कोई सुमरन कर लो रे, कोई सुमरन कर लो रे, कोई सुमरन कर लो रे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की प्यारी सास संगत जी, आपने शब्द में सुना पिताजी कह रहे हैं, उठ सिमरन कर लो रे संत है होका मारते सबको, संत है होका मारते सबको। होका कौन मारता है सास संगत जी? चौकीदार। सच, बिल्कुल सच कहते थे पिताजी अपने आप को कि वो चौकीदार हैं, हमारे नौकरों के भी नौकर हैं, हमारे जोड़ियों में जूतों में बैठने को तैयार हैं। बिल्कुल एक एक शब्द सच कहा है पिताजी ने। नौकरों की तरह, चौकीदार की तरह हाथ जोड़ जोड़ कर वो हमसे विनती करते रहे, सिमरन कर लो बेटा, सिमरन कर लो बेटा। पर ना तो हमने उनकी तब सुनी जब वो स्टेज पर बैठकर हमारे सामने हाथ जोड़ते थे, और ना ही हम आज ही उनके संदेश को मान रहे हैं, सिमरन कर लो बेटा, सिमरन कर लो बेटा, सिमरन कर लो। पिताजी के उपकार हम सोच भी नहीं सकते सास संगत जी, वो हम पर कितने महापरोपकार कर रहे हैं। रूहानियत हमेशा ही पर्दे में रही है, पर पिताजी ने तो हम पर इतने एहसान किए हैं, इतने एहसान किए हैं कि सारी रूहानियत ही खोल के रख दी कि किसी तरह तो ये सिमरन कर ले। पहले पिताजी ने जिनको दर्शन हो चुके हैं उनसे सिमरन करवाया, उनको दर्शन दिया, फिर उनके जरिए और सास संगत को सिमरन करवाने की ड्यूटी लगाई, रूहानियत पूरी तरह से खोल के ही रख दी। पर हम इतने डीट हैं कि हम फिर भी सिमरन नहीं कर रहे, और क्या करें पिताजी हमारे लिए। 3 साल से ऊपर हो गए उनको सुनारिया बैठे हैं, हमारे हिस्से की भक्ति कर रहे हैं, जानते हैं वो कि उनके बच्चे नालायक हैं, ये तो भक्ति नहीं करेंगे, उन्हें ही करनी पड़ेगी हमारे हिस्से की भक्ति। सास संगत जी प्लीज़ सिमरन कर लो, सारे सिमरन कर लो पिताजी, हाथ जोड़ जोड़ कर सिमरन करने के लिए हमें कहते रहे हैं। एक शब्द में परम पिताजी ने भी लिखा है, सार चंदन को बना रहा कोले, बना रहा कोले। पिता ने बहुत बार एक लकड़हारे की कहानी हमें सुनाई है कि राजा ने उसको बेहद कीमती चंदन की लकड़ी का बाग दिया, जिसकी कीमत लाखों करोड़ अरबों में होगी आज की डेट में, पर उस लकड़हारे ने उसकी कीमत नहीं समझी और आम लकड़ की तरह उन्हें जलाकर कोले बना बना कर बेच दिया। हम भी यही कर रहे हैं सास संगत जी, हमारा जो एक एक श्वास है बहुत ही कीमती है, बहुत कीमती है। पिताजी फरमाते हैं कि एक श्वास का मोल त्रिलोकी से बढ़कर है, इसकी कीमत का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और हम कोड़ियों के पीछे भाग रहे हैं, झूठे दुनियावी रिश्ते नाते,
झूठी मोह माया, जिनकी कोई मोल नहीं है, सब झूठ है, सब झूठ। और जो सच है, हम जानबूझकर अज्ञानी बने हुए हैं। पिताजी ने हमें सारा ज्ञान दिया, पर फिर भी हम ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी बने हुए हैं। हम अपने श्वासों की कीमत को नहीं जान रहे, व्यर्थ गवा रहे हैं उन्हें। एक एक श्वास बहुत कीमती है। पिताजी हमसे पूछेंगे, हिसाब लेंगे, बेटा कि जो हमने आपको इतने कीमती श्वास दिए थे, क्या किया आपने उनसे? तो क्या जवाब देंगे हम पिताजी को? तब हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, हम मुंह लटका कर शर्मिंदा पिताजी के सामने खड़े होंगे। अब भी वक्त है सत्संगत जी, पिताजी ने हमें बहुत वक्त दिया है, अब भी दे रहे हैं, बहुत दयालु हैं पिताजी। अब भी सिमरन कर लो सत्संगत जी, प्लीज़ सिमरन कर लो, नहीं तो फिर हमें अपने कर्मों का बोझ उठाना ही पड़ेगा। प्लीज़ सबसे बेनती है, श्वास श्वास में सिमरन करो, श्वास श्वास में पिताजी को बुलाओ। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।